हेलो दोस्तों, इसके आगे वाला टॉपिक है हेडर फाइल। देखिए, इसके जस्ट पीछे मैंने बताया था कि गेटिंग स्टार्टेड इन सी प्लस प्लस में कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। इसके आगे बारे में हम जानते हैं कि प्रोग्राम को लिखने या रन करने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हेडर फाइल क्या होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल क्या होता है, किसको हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, और ये हेडर फाइल प्रोग्राम को लिखने के लिए उसका किस जगह पे इसको प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। ठीक है, हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर विच हेडर फाइल या एक कंटेनर का काम करता है, जो जस्ट लाइक जो विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मीनिंग ऑफ मीनिंग द मीनिंग ऑफ फंक्शन इन प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि हेडर फाइल है सो स्टोर करता है किसका, फंक्शन प्रोग्राम का। हेडर फाइल ऑलवेज रिटेन इन टॉप प्रोग्राम, टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हेडर फाइल को सबसे ऊपर में लिखा जाता है, सबसे ऊपर में, टॉप ऑफ द प्रोग्राम पर ऊपर में। ठीक है, हेडर फाइल को, और हेडर फाइल इज रिप्रेजेंटेड विथ डॉट एच। इसके पहले भी मैंने भी बताया था कि हेडर फाइल को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, यानी कि डॉट एच का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेडर फाइल को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि हेडर फाइल क्या होता है, या एक कंटेनर का जैसा काम करता है, जो अपने अंदर क्या रखता है, मीनिंग ऑफ द फंक्शन, यानी कि अपने अंदर फंक्शन को रखता है। फंक्शन का मतलब हुआ यानी कि उसके अंदर डेटा को रखता है। ठीक है, हेडर फाइल ऑलवेज रिटेन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, हेडर फाइल को हमेशा ऑफ द प्रोग्राम, टॉप ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर ही लिखा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट एच से, हेडर फाइल को डॉट एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके कुछ पाँच कुछ 4-5 एग्जाम्पल दिया हुआ है हेडर फाइल का, जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, हैश इंक्लूड आयोमैनिप डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये कुछ हेडर फाइल दिया हुआ है। इसके इसके बारे में हम आकर करके जानेंगे कि जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच क्या होता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब होता है कि हैश इंक्लूड टैग, और इसमें तो टैग से तो बंद किया हुआ है आयोस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसका इट स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट दिस हेडर फाइल कंटेन द फंक्शन सच एज। देखिए, इसमें बोल रहा है कि हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच क्या है, इसका मतलब होता है कि यह अपने अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को रखता है, और यह हेडर फाइल अपने अंदर, कहने का मतलब कि इसका मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है। हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच का मतलब इनपुट करना और आउटपुट करना दोनों। ठीक है, अब इसके ये जो हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ये अपने अंदर क्या क्या रखता है, इट कंटेन द फंक्शन सच, जैसे सीन सी कंसोल इनपुट, सी आउट कंसोल आउटपुट, और गेट, ये सब फंक्शन है। गेट पुट, गेट लाइन पुट लाइन etc, ये सब क्या है, इसका फंक्शन, यही सब जो है, जो क्या ये सब हैस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये अपने अंदर रखता है। ठीक है, जैसे इसके आगे हम फिर चलेंगे इसके बारे में। ये तो हो गया, अब ये दूसरा वाला अभी हम जस्ट इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये हेडर फाइल क्या होता है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये हेडर फाइल के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं फिर आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच के बारे में। ठीक है, तब तक तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, इसके आगे वाला टॉपिक है इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ठीक है, इसके पहले मैंने हेडर फाइल बताया था कि हेडर फाइल क्या होता है, और वो क्या उसको किस तरह से उपयोग करेंगे और कहाँ उपयोग करेंगे, वो चीज़ तो हम बता दिए हेडर फाइल का। अब आ गया है इंक्लूड इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच।
ठीक है, इसका मतलब होता है ये भी हेडर फाइल का ही प्रकार है, जो इसको हम कहेंगे इसमें हैश लगेगा, यहाँ पर हैश यानी कि यहाँ पर भी हैश लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें बोल रहा हैज इंक्लूड कॉन्यूडेट, इसका मतलब क्या होगा, दिस हेडर फाइल कंटेन द फंक्शन, ये इसमें बोल रहा है कि वो या ऐसा हेडर फाइल है जो अपने अंदर क्या रखता है फंक्शन को, यानी कि फाइल कंटेन द फंक्शन सच एज, कौन कौन सा फंक्शन को रखता है, CLSCR यानी क्लियर स्क्रीन, GETCS गेज का, गो टू XY ETC, ये सब अपने अंदर रखता है कि हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉटेज, अपने अंदर ये सारे फंक्शन को रखता है यानी कि कंटेन करता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हैज इंक्लूड मैथ डॉटेज, इसका मतलब हो गया कि दिस हेडर फाइल कंटेन द मैथमेटिकली इन फंक्शन सच एज, यानी कि इंक्लूड मैथ डॉटेज के मतलब होता है कि वैसा कंटेनर, वैसा यानी कि हेडर फाइल जो अपने अंदर मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन को अपने अंदर फंक्शन को रखता है, जैसे कहने का मतलब हुआ कि मैथ डॉट एच यानी कि जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे रन करेंगे तो उसमें जब किसी जगह पे मैथ कैलकुलेशन के लिए उसका फंक्शन को उपयोग करेंगे तो वो कौन कौन सा फंक्शन होगा, सबसे पहले यहाँ पर POW पाव में हो गया, एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, जैसे पाव मोड फंक्शन, पावर फंक्शन, मोड फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेन मोड लॉग etc, ये सारे फंक्शन किसमें उपयोग किया जाता है, हैच इंक्लूड मैथ डॉटेज में। ठीक है, और ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये सारे फंक्शन हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच में उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ए हैज इंक्लूड आयोमैनिब डॉट एच, इसका मतलब होता है कि इट स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, इट कंटेन द फंक्शन सेट वे, यानी इसमें बोल रहा है कि इसका मतलब हुआ कि ये अपने अंदर ऐसा फंक्शन को रखता है जिसमें इनपुट आउटपुट और मैनिपुलेशन ये दोनों ये सारी चीज़ें इसमें हो, यानी आउटपुट भी हो इनपुट भी हो, सबसे पहले इनपुट आउटपुट और मैनिपुलेशन ये तीनों चीज़ों हो, तीनों चीज़ों इसमें होता है आयोमैनिब डॉट एच में। और ये हेडर फाइल क्या रखता है अपने अंदर फंक्शन को रखता है, तो कैसे फंक्शन को रखता है, सेट वे यानी कि ये इसका सिंगल ये सेट वे हो गया इसका। ठीक है, सेट वे। अब इसमें आ गया है पांचवा में, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये भी हेडर फाइल है जो इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इसका भी मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और ये अपने अंदर कैसे फंक्शन को कंटेन रखता है यानी कि सच एज गेट्स, गेट्स फंक्शन, सबसे गेट फंक्शन आ गया, पुट फंक्शन आ गया, प्रिंट एफ आ गया, स्कैन एफ आ गया, etc, यानी कि ये जो है सो अपने अंदर कैसे कैसे फंक्शन को रखता है, कौन ये वाला जो दिख रहा है ये अपने अंदर रखता है द फंक्शन सच एज गेट्स पुट्स प्रिंट, ये अपने अंदर कंटेन करता है। अब इसमें लास्ट जो थोड़ा सा ये है इसको सीआउट, सीआउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट, आउटपुट सीआउट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट, इसके पहले मैंने भी बताया था कि सीआउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट ये क्या करता है कि डिस्प्ले किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करता है यानी किसको दिखाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सीन, ठीक उसी तरह पे यहाँ पे हम सीन कर देंगे। ठीक है, इस आउट को मैंने बताया सीन ऐसे रहेगा, सीन रहेगा इसका मतलब हो जाएगा आप, इसका मतलब हो जाएगा कंसोल इनपुट, कंसोल इन इनपुट। ठीक है, और इसमें हो जाएगा सीन इन, इसका
ये जो मैंने बताया था सीआउट का, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सिन। इट स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट, सिन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज फॉर, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इनपुट, फॉर इनपुट, इनपुट हो जाएगा द रिजल्ट, नहीं इनपुट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या फिर ठीक है सिन का मतलब जस्ट सीआउट का मतलब हम समझे थे कि उसका मतलब हुआ होता है कंसोल आउटपुट, सीआउट का मतलब, और जस्ट इसका सीआईएन है यानी कि सिन। इट स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट, सिन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज फॉर इनपुट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके ये छोटा छोटा टॉपिक था कुछ फंक्शन और हेडर फाइल, इसके बारे में हम तो अच्छी तरह से चर्चा किए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और जस्ट मैं इसका आगे वाला टॉपिक अभी जस्ट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बने तब तक बने रहिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, इसके आगे जस्ट इसका टॉपिक है सिन, COIUT मतलब कंसोल आउटपुट, ठीक है। CIN मतलब कंसोल इनपुट, ठीक है। इसके पहले मैंने भी बताया था सिन का, एक बार और बता देते हैं। इसका इसका सिन का मतलब होता है इट इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट होता है सिन का, और सिन इज एन ऑब्जेक्ट है विच इज, यानी कहने का मतलब है कि सीन का मतलब होता है कंसोल इनपुट, और यह एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये अपने अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, यानी कि अपने वैल्यू को इंफॉर्मेशन, किसी भी वैल्यू इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेता है, कौन सीन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सीन इज एन ऑब्जेक्ट विच यूज फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू, इसका उपयोग वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है, किसका, सिन का, ठीक है। अब इसके आगे है CLRSCER, इसका मतलब होता है इट स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ कब किया जाता है, इट इट इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट, यानी कि इस क्लियर स्क्रीन का उपयोग प्रीवियस आउटपुट, यानी कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं और उसका रिजल्ट हमें दिखाता है, और फिर हमको दूसरा प्रोग्राम को रन करना रहता है, दूसरा किसी प्रोग्राम को लिखना रहता है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस आउटपुट को हटाएंगे, क्लियर स्क्रीन करके उपयोग करके उसको हटाएंगे, उसके बाद तभी ना हम आगे किसी प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सी क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या होता है, उपयोग क्या कहाँ होता है, कब कब होता है, ये तो हम समझ में आ गया। अब इंडल, इंडल का मतलब होता है इट यूज्ड फॉर ब्रेक द लाइन, इंडल का प्रयोग उस टाइम किया जाता है यानी कि इंडल का प्रयोग लाइन को ब्रेक करने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए, कहने का मतलब वहाँ हम किसी भी सेंटेंस या किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। तो ये नहीं ना है कि हम लिखते जाएंगे पूरा चलते जाएंगे, तो उसको तो तोड़ना पड़ेगा बीच में ना, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसी को लाइन को तोड़ने के लिए हम इंडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आ गया सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, सेमी कॉलन या एक सिंबल है, चिन्ह है, ठीक है, जिसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक इस टाइप से, ठीक इसमें दिखाया गया है यहाँ पे। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, यानी कि जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को लिखते हैं तो एवरी लाइन एंड विथ सेमी कॉलन, इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक लाइन को यानी कि एंड करने के लिए उसको किससे एंड करते हैं, सेमी कॉलन लगा के, जब हम लाइन को लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि हमेशा लिखते हैं, कभी तो बीच में तो रुकेगा, ठीक है, तो उसको एंड करने के लिए यानी कि रोकने के लिए एंड विथ सेमी कॉलन के साथ बंद करते हैं, ठीक है। अब आ गया गेट्स, GETCH यानी कि इसका फंक्शन का चिन्ह है,
इसका मतलब होता है इट यूज फॉर फ्रीज द आउटपुट। इसमें बोल रहा है कि गेज फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है, आउटपुट को जमा करने के लिए, यानी कि उसको एक जगह पे दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी से टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी ये सब जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी प्रोग्राम को लिख नहीं सकते हैं, रन भी नहीं कर सकते हैं। ये सब यानी कि प्रोग्राम को, हमें प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से उसको हम आउटपुट इनपुट यानी कि लिखेंगे, वो चीज़, ये सब छोटी छोटी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बस इसके आगे में अगला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और एक दो प्रोग्राम में लिखकर बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, ये छोटी छोटी टॉपिक है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये स्क्रीन शॉट इसका कर सकते हैं और इसका प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में जो टॉपिक मैंने बताया ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास करके तो क्लास 12th वालों के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे फिर बताऊंगा। आज तक इतना ही, बने रहिएगा मेरे वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, जय हिंद।